हेलो दोस्तों, आयुष चिकित्सक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर शहरयाब, आपका दोस्त। आज जो नुस्खा लेकर आया हूँ, मैं आज जो चर्चा करूँगा वो है टॉपिक सोराइसिस, यानी स्किन डिजीज में आता है, चर्म रोग बोलते हैं इसको। और सोराइसिस जो है ये बहुत गंदी और बहुत ही भयंकर वाली बीमारी है दोस्तों। जो जिन लोगों को ये बीमारी लग जाती है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत लंबा पैसा खर्च करते हैं। और एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी 1% इसका जो है ना एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, ना कोई ऑपरेशन है, ना कोई मेडिसिन है। तो यूनानी में दोस्तों बहुत ही शानदार नुस्खा है जो मैं अपने पेशेंटों पर इस्तेमाल करता हूँ। मेरे बहुत पेशेंट इससे ठीक हुए हैं, एक आधा नहीं, बहुत सारे पेशेंटों को जिसको भी दिया है वो ठीक ही हुआ है। वो आज ऐसा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई लोगों के मेरे पास में ये फ़ोन आए थे और जो वो उनके मैसेज आए थे कि हमें सोराइसिस के बारे में ट्रीटमेंट बताओ। तो दोस्तों हालांकि कोई डॉक्टर अपना नुस्खा नहीं बताता है, अपना ट्रीटमेंट नहीं बताता है, मगर मैं आपको यही कि भाई जो है ना आपको बताऊंगा तो इससे फ़ायदा मिलेगा और आप दुआएं देंगे मेरे को, और दुआओं से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है दोस्तों। और आप भी जो वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसी को फ़ायदा होगा, आपको भी दुआएं मिलेंगी और साथ साथ मेरे को भी दुआएं मिलेंगी। बस आपको खाली शेयर करने का थोड़ा सा जहमत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, दूसरे लोगों तक ये पहुंच जाएगी तो दोस्तों उनको भी, उनकी दुआएं आपको भी मिलेंगी और मेरे को भी मिलेंगी। और दोस्तों जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सभी जो गंभीर बीमारियां हैं उनके बारे में देसी और यूनानी दवाइयों के ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ दोस्तों। स्किन डिजीज़ क्या, हालांकि और भी मेरी कई वीडियो पड़ी हुई हैं जैसे दाद, एलर्जी वगैरह और एक्जिमा, फोड़े फुंसी और वीडियो डली हुई है उनके दोस्तों, उनके जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं वीडियो पे भी मेरे को कमेंट्स आए हैं, फ़ोन भी किया है लोगों ने कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो ऐसे एक अच्छे रिजल्ट के साथ में मैं आप आज हाजिर हुआ हूँ। सोराइसिस दोस्तों आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हो कि सोराइसिस के किस तरह की होती है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप पहचान लोगे कि भाई सोराइसिस है क्या। ये दोस्तों होता क्या है, यूनानी में तो ये कह देते हैं कि सफरा का जो सोदा है, सोदा और सफरा, इसका गलबा हो गया है। और आयुर्वेद में बोल देते हैं कि पित्त, जो ब्लड में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, इससे ये दिक्कत हो जाती है। और खून की जो प्रॉब्लम है तो उसमें उसकी वजह से भी ये दिक्कत बनती है। तो दोस्तों इसके लिए मैं बहुत शानदार नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल गौर के साथ में लास्ट तक वीडियो देखें, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए वीडियो का। अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो आपको जो है ना इलाज में दिक्कत बनेगी। आपको लेना है, जो रेडीमेड दवाई बता देता हूँ आपको, आपको लेना है माजून उशबा। ये आपको किसी भी यूनानी के या आयुर्वेदिक के मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा, माजून उशबा आप बोलेंगे मिल जाएगा। ये 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, ये आपको इस्तेमाल करना है पानी से, बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको कंटिन्यू में रखना है। और शाम के टाइम आपको सोते समय लेना है 1 त्रिफल चाकरा, ये सोते समय 1 चम्मच लेना है, पानी के साथ में इस्तेमाल करना है। और दोस्तों मुसफ़ी खून मुरक्कब या मुसफ़ी खून, इन दोनों में से कोई भी एक, या तो मुरक्कब ले लो या मुसफ़ी खून सादा ये ले लो, ये पीने की दवाई आएगी। और ये 10 ml सुबह 10 ml शाम इसका इस्तेमाल करें दोस्तों। हब्बे असफर नाम की गोली आती है, हब्बे असफर, तो ये एक ही गोली सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें। ये सारी दवाइयाँ जो मैं बता रहा हूँ इनको इस्तेमाल ही करना है, सारी दवाइयों को, ये नहीं कि एक करना है एक नहीं करना है। और दोस्तों इस पर लगाने के लिए मरहम कुबा, ये एक मरहम आएगा, रेडीमेड आएगा, उसका इस्तेमाल करें। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो दोस्तों इसमें रोगन नीम मिला सकते हो आप, मरहम कुबा में रोगन नीम भी मिला सकते हो, या नीम का तेल बोल देते हैं, नीम का तेल भी इसमें मिला सकते हो, शामिल कर सकते हो। और ये पूरे बदन पर लगाना है। और दोस्तों कुछ चीज़ों का आपको परहेज़ भी करना पड़ेगा, एक तो बदन पर साबुन नहीं लगनी चाहिए, बिना साबुन के आपको नहाना है, और अगर साबुन से ही नहाना है तो आपको नीम के साबुन से नहाना है, इस्तेमाल करना है नीम का साबुन, जैसे मार्गो है या नीम के और दूसरे साबुन आएंगे उनसे आप स्नान करें, या आप नीम के पत्तों को पानी में गर्म करके और उसको पानी में मिला के उससे भी स्नान कर सकते हैं, उससे नहा सकते हैं। और दोस्तों अभी जैसे नई नई कोपले आ रही हैं नीम की, 5 या 7 नई जो पोपले होती हैं, नए पत्ते होते हैं जो अभी उगने शुरू हुए हैं, तो उन 5 या 7 पत्तों को ले गए सुबह के भूखे पेट उनको चबाना है दोस्तों। आपको ये अगर दिक्कत कम है
तो आप 40 दिन या 2 महीने के इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर दिक्कत ज़्यादा है तो आप इसको कम से कम 6 महीने इस्तेमाल करें इस दवाई को। तो दोस्तों ये इतने शानदार रिजल्ट वाली दवाई है, बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट हैं। दोस्तों जिसको भी मैंने दिया है उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, किसी ने आज तक ये नहीं बताया है कि भाई मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो है जो इसके बीमार हैं वो इस वीडियो को देख के अपना फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों किसी भी बीमारी के बारे में आप कोई आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, भाई ये इस बीमारी का जो है ना ट्रीटमेंट आप हमें बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा आप तक उस पहुँचाने के लिए।